हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं लहसुन और जीरा और मिर्च की चटनी। ये चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत सारी चीज़ों में काम आती है, बहुत सारी चीज़ों के साथ खाई जाती है। ये चटनी जैसे शामी कबाब अगर हम बना रहे हैं तो ये चटनी उसमें डलती है, दही बड़ों में डलती है, चाट में डलती है, पकौड़ों में डलती है। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चटनी है, इसको आप ज़रूर बनाइए। बनाकर इसको रख लीजिए, ये एक महीने तक फ्रिज में रखकर आपके लिए ख़राब नहीं होगी और आपको जब भी चाहेगा इस चटनी को आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम यखनी पुलाव के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है, दही में मिलाकर भी और सादी भी अगर हम इसको पुलाव के साथ खाते हैं बहुत अच्छी लगती है। तो इस चटनी के लिए मैंने जो भी सामान लिया मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, जैसे अगर आपने 50 ग्राम मिर्ची ली है तो 50 ग्राम आप लहसुन लेंगे और 2 चम्मच जीरा। तो मैंने जो मिर्ची ली है ये थोड़ी सी 50 ग्राम से कम है, तो ये लहसुन भी इसकी बराबरी है और जीरा मैंने 1.5 चम्मच लिया है। तो आप मेजरमेंट के हिसाब से जैसे 50 ग्राम है तो बराबर आपको मिर्ची डालनी है और बराबर ही आपको लहसुन डालना है और 2 चम्मच जीरा डालना है। तो अब हम इसको पीस लेते हैं। अब हम मिर्ची के डंठल तोड़ लेंगे और फिर हम इसको जार में डाल के पीस लेंगे। सब डंठल हमने तोड़ लिए हैं, अब इसमें हम लहसुन और जीरा डाल देंगे। क्या आप मिर्ची डंठल वाली लें, घर में जैसे छोटी वाली मिर्ची बच जाती है आप उसकी भी चटनी पीस सकते हैं। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। ये देखिए चटनी हमारी पिस गई है और नमक आपको मैं बताना भूल गई थी, इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इस चटनी को एक एयरटाइट कंटेनर में रख देंगे आप फ्रिज के अंदर, तो ये आराम से 1.5 महीने तक आपकी चल जाएगी और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आएगी। तो बहुत ज़बरदस्त लहसुन की चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ज़्यादा टेस्टी चटनी बनी है और मैंने जैसे आपको बताया है बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होने वाली है। तो आप इसको बनाकर ज़रूर रखिए, इंशाल्लाह रमज़ान आ रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा ये चटनी। सभी चीज़ों में मैंने आपको बताया है, दही बड़े वगैरह में, पकोड़ों में, सब में आप इसको डाल सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और कैसी लगी आपको मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर आपको ये मेरी बनाई हुई चटनी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलूंगी एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।